Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the Investment Accounting Standard 13, the chapter which we have started. So you have seen various videos related to the chapter and have tried to cover all the levels from this video lectures. So humne sare ek ek karke step by step पॉइंट्स इस पूरे वीडियोस में देखे हैं. हमने डिबेंचर्स से शुरू किया था, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, उसके सारे लेवल्स हमने सॉल्व किए हैं, और अभी हम हमारे इस पूरे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के लास्ट पार्ट में आए हैं, जिसमें हम शेयर्स के बारे में सॉल्व करेंगे. तो पिछला सेशन आपने देखा होगा, पिछला सेशन में हमने शेयर्स से रिलेटेड ही चीजों को ध्यान से देखा था. सिमिलर वे में इस पूरे सेशन में हम क्या करेंगे कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट पूछा जाता है, विच वॉज ऑल्सो रिलेटेड विद योर बॉन्ड्स और डिबेंचर्स वैरायटी, एंड दैट वॉज दी पार्ट रिलेटेड टू मार्केट वैल्यू गिवन. सो वेन एवर मार्केट वैल्यू इज गिवन इन केस ऑफ शेयर्स, वॉट वी हैव टू डू वी विल बी सीइंग वन बाय वन इन दिस सेशन. सो ये आपके सामने एक क्वेश्चन अभी अवेलेबल है. आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, वेन मार्केट वैल्यू इज गिवन. आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वी आर गोइंग टू सॉल्व नाउ. ऑन 1st April 2019, मिस्टर अजय होल्ड 30,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 14 पर शेयर. And he is also purchasing on 1st July 2019 6,000 shares of the same company at rupees 16 per share. Similar points hai jo humne pehle solve kiye the wahi hai. Then the point comes bonus shares, then it is given as bonus. So 31st July 2019 the directors allotted bonus shares of rupees 10 each in the ratio of 1 share for every 6 shares held. Then on 30th November 2019 right shares were issued at the rate 15 in the ratio of 1 share for every 3 shares held. He has subscribed for how many? 60% of his rights and sold the balance at rupees 2 per share. So company is declaring the dividend of 14%. Aur last mein company ne jo 1st February ko shares ko sold kar diya, 25,000 shares are being sold at rupees 15 per share. Aur market value diya hai, to is question ka jo important point hai, and that is called as the market value. So market value is given in the question. ये point आपको ध्यान से solve करना है. अभी एक एक करके हम इसको solve करने वाले हैं. देखिए format तो मैंने already बनाया है, हमारा format तो same है. Format is in the books of Ajay Investment Accounting for the year ended 31st March 2020. And the format is date particulars, number of shares, dividend and cost. Similarly, date particulars, number of shares, dividend and cost. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले विल बी राइटिंग द ओपनिंग बैलेंस ओवर हियर. तो लेट अस चेक ओपनिंग बैलेंस कितना है. देखो 30,000 शेयर्स है और जिसका कॉस्ट 14 रुपीज है, तो हम यहाँ पे अभी लिखेंगे 1st अप्रैल को 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन. हाउ मेनी शेयर्स वी आर हैविंग, नंबर ऑफ शेयर्स 30,000, डिविडेंड में हमें डैश करना है और हमें मल्टीप्लाई करना है 30,000 मल्टीप्लाइड बाय आपका रेट क्या है 14 रुपीज. तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 14 तो वैल्यू कितना आएगा 4,20,000. ओके, सिमिलर कैलकुलेशन वी हैव डन इन द प्रीवियस पॉइंट ऑल्सो. सो नंबर 1, पहला स्टेप क्या होता है आपका, ओपनिंग बैलेंस को पोस्ट करना. दूसरा स्टेप होता है परचेजेस के बारे में लिखना. तो लेट अस सी द परचेजेस नाउ. सो 1st जुलाई को ही हैज परचेज 6,000 शेयर्स ऑफ द सेम कंपनी एट रुपीज 16 पर शेयर. तो एंट्री करेंगे ध्यान से, डेबिट साइड में मैंने ऑलरेडी डेट लिखा है, तो डेबिट साइड पे अभी क्या लिखना है, टू बैंक अकाउंट. ठीक है, कितना परचेस किया है 6,000 शेयर्स. तो 6,000 यहाँ पे लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर 6,000, डिविडेंड में लेंगे डैश. लेट अस चेक द रेट गिवन इन द क्वेश्चन. तो रेट गिवन इन द क्वेश्चन इज 16. तो 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 16 आपको करना है, दैट कम्स टू 96,000. ओके, सो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड विद दी वैल्यू. फेस वैल्यू कितना होता है 10 होता है, और फेस वैल्यू के साथ कॉस्ट का जो रेट दिया उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, फर्स्ट स्टेप इज ओपनिंग बैलेंस, सेकेंड स्टेप है हमारा परचेज, थर्ड स्टेप है हमारा बोनस शेयर्स के बारे में. तो चेक करते हैं बोनस शेयर्स के बारे में कुछ एडजस्टमेंट. सो ऑन 31st जुलाई 2019 द डायरेक्टर्स अलॉटेड बोनस शेयर्स
ऑफ रुपीज 10 ईच इन द रेशियो ऑफ वन शेयर फॉर एवरी 6 शेयर्स हेल्ड। तो वर्किंग नोट बना लेंगे पहले, वर्किंग नोट बनाने के बाद बाकी का कैलकुलेशन करेंगे। तो क्या है, सिंपल वर्किंग नोट है एंड द वर्किंग नोट इज हेल्ड इज टू इशूड। यही हमने वर्किंग नोट सीखा था, जो भी आपका हेल्ड रहेगा उसके साथ हमको इशूड के वैल्यू को लिखना है, ठीक है, हेल्ड इज टू इशूड। अब हेल्ड कितना था, क्या है रेशियो बोनस के बारे में, जिसके पास 6 शेयर्स रहेंगे उनको 1 बोनस शेयर मिलेगा। सो द रेशियो वॉज 1 शेयर फॉर एवरी 6 शेयर्स हेल्ड। देख लेते एक बार, सो द डायरेक्टर्स अलॉटेड बोनस शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 6 शेयर्स हेल्ड। तो क्या रेशियो दिया है, 1 शेयर फॉर एवरी 6 शेयर्स हेल्ड। तो रेशियो बना 6:1, सो 6:1 इज द कैलकुलेशन। तो अभी हमारे पास कितने शेयर्स है चेक करो, 30,000 नंबर ऑफ शेयर, 6,000 आपने परचेस किया, तो कितना होगा 30+6 इज 36,000 के बदले में कितना मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है, 36,000 इंटू 1/6 दैट कम्स टू 6,000 ओनली। तो 6,000 शेयर्स क्या मिलेंगे, बोनस मिलेंगे, 6,000 शेयर्स विल बी प्रोवाइडेड एज बोनस। तो बोनस मिलने वाला है, कब बोनस मिलेगा, जुलाई 31st को बोनस मिल रहा है, तो जुलाई 31st को आई एम राइटिंग ओवर हियर एज टू बैंक अकाउंट। ओके, टू बैंक अकाउंट, हाउ मेनी शेयर्स बोनस मिला, 6,000 शेयर्स, डिविडेंड कॉलम में डैश और आपके कॉस्ट कॉलम में भी डैश। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बोनस शेयर्स फ्री में देते हैं, इसीलिए बोनस शेयर्स में हम कभी भी कॉस्ट नहीं लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और बोनस शेयर्स के लिए रेशो आपको दिया जाएगा, रेशो को ध्यान से लिखे, जब तक आप रेशो ध्यान से नहीं लिखोगे तब तक आपका कैलकुलेटिव एरर हो सकता है। सो आई विल रिवाइज क्विकली, नंबर वन हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस, नंबर सेकेंड परचेसेस, नंबर थर्ड बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स के पास आएगा राइट शेयर्स। तो लेट अस चेक राइट शेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है या नहीं। सो ऑन 30th November 2019 राइट शेयर्स वेर इशूड एट द रेट 15 पर शेयर इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड। देखो क्या रेशियो है, 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड, इसका मतलब रेशियो बनेगा 3:1। क्या मतलब है, जिनके पास 3 शेयर रहेंगे उनको कंपनी 1 राइट शेयर देगा। राइट शेयर फ्री में नहीं मिलते, राइट शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं और राइट शेयर्स के बदले में हमें पैसा देना पड़ता है। अब ये जो मिस्टर अजय है इसका राइट कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। लेट अस सी, अभी हम कैलकुलेट करेंगे राइट शेयर्स भी, सेम कैलकुलेशन जैसे हमने बोनस किया था। तो क्या है हमारा रेशो, रेशो है हमारा 3:1, तो 3 के बदले में 1 मिलेगा, ठीक है, 3 के बदले में 1 मिलेगा। आप डेबिट साइड चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स यू कैन चेक 30,000, 6,000 एंड 6,000, तो सबको ऐड करना है, 30+6 इज 36 एंड 36+6 इज 42,000, फाइन। सो 3 के बदले में 1 मिलेगा, तो 42,000 के बदले में कितना मिलना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 14,000 शेयर्स, ठीक है, 14,000 शेयर्स हमारे राइट शेयर्स है। अब आगे चेक कर लेते हैं कि कुछ एडजस्टमेंट होता है, एडजस्टमेंट में बोला जाएगा कि राइट शेयर्स में से कुछ पार्ट सब्सक्राइब्ड हुआ है और कुछ पार्ट उसने सेल कर दिया है। तो लेट अस रीड व्हाट इज गिवन, ही सब्सक्राइब फॉर 60% ऑफ हिज राइट्स एंड सोल्ड द बैलेंस एट ₹2, तो उसने 60% राइट्स को सब्सक्राइब किया है। तो अभी हम कैलकुलेशन सीखेंगे, इसके 2 पॉइंट हुए, 60% उसने सब्सक्राइब किया और 40% क्या किया उसने, सोल्ड कर दिया। तो 60% इज सब्सक्राइब एंड रिमेनिंग 40% इज सोल्ड। सो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो सोल्ड है राइट शेयर्स में उसका हम एंट्री नहीं करेंगे, हम सिर्फ एंट्री करेंगे जो सब्सक्रिप्शन है उसी का। तो कितना परसेंट सब्सक्राइब है, 60%, तो डैट कम्स टू 8,400। सो 8,400 का क्या रेट है, 15 रुपीज का रेट क्वेश्चन में दिया था। तो अभी इसका हम पोस्टिंग करेंगे, डेबिट साइड में जाते हैं, सितंबर 30 का डेट है एंड द एंट्री इज टू राइट शेयर्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोनस लिखना चाहिए था, तो एक यहाँ पे थोड़ा सा नाम चेंज कर लेंगे, यहाँ पे हमने बोनस शेयर्स दिए, राइट, तो टू बोनस शेयर्स 6,000।
राइट शेयर्स कितने दिए? 8,400 दिए डिविडेंड में डैश. क्या रेट था? 15 रुपीज का रेट था. तो दैट कम्स टू 1,26,000. तो राइट शेयर्स ऑल्सो वी हैव रिकॉर्डेड. तो इट्स वेरी सिंपल, वी विल गो स्टेप बाय स्टेप. इक्विटी शेयर्स में ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है, जो हमने एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट में सीखा था. तो नंबर वन वॉज दी ओपनिंग बैलेंस. नंबर सेकेंड में हमने क्या पढ़ा? नंबर सेकेंड में हमारे सारे परचेजेस है. नंबर थर्ड में हम जाएंगे, नंबर थर्ड में हमारा होगा बोनस शेयर्स का कैलकुलेशन. नंबर फोर्थ में हमें कैलकुलेट करना है राइट शेयर्स. और राइट शेयर्स होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन इज वैरायटी में, दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड. तो लेट अस रीड व्हाट द एडजस्टमेंट इज सेइंग. ऑन 31 दिसंबर 2019 कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड एट द रेट 14%. तो डिविडेंड का कुछ कैलकुलेशन इस तरीके से है जो हमें करना है. देखो डिविडेंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है. तो डिविडेंड के लिए हमने पढ़ा था सबसे पहले ऑन ओपनिंग बैलेंस. तो आपको क्या करना है? ओपनिंग बैलेंस पे डिविडेंड कैलकुलेट करना है. एंड नेक्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट ऑन परचेज. ठीक है, पहले ओपनिंग बैलेंस पे और फिर परचेज पे. एक बार चेक कर लेते हैं. देखो ओपनिंग बैलेंस कितना है? 30,000. और परचेज कितना है? 6,000. लेकिन वो क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स है. फाइन, तो आपको अभी कैलकुलेशन ध्यान से समझना है. देखो ओपनिंग बैलेंस कितना था? 30,000 शेयर्स. ये क्या है? दिस इज द शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज योर फेस वैल्यू. योर फेस वैल्यू इज 10. तो वैल्यू विल बी 3 लाख. ठीक है, क्या रेट दिया है आपको? डिविडेंड का रेट है 14%. तो 3 लाख का 14% इफ यू कैलकुलेट, दैट कम्स टू 42,000. आई होप कि इतना क्लियर है. हमने लास्ट लेक्चर में भी ये कैलकुलेशन सीख लिए थे कि जो भी आपका वैल्यू रहेगा उसको मल्टीप्लाई करना है आपके परसेंटेज से. लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स को हम पहले अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे. सो द रेट वाज द रेट ऑफ डिविडेंड वाज गिवन इन द क्वेश्चन एज 14%. सो हमने 3 लाख के ऊपर 14% काउंट कर लिए. परचेजेस कितना था हमारा? परचेजेस था 6,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू वॉज 10. तो 6,000 इंटू 10 करेंगे तो कितना आंसर मिलेगा? 60,000. और 16,000 का आप 14% कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 8,400. सो व्हाट वाज द रूल व्हिच वी हैव लर्न्ड? जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस है उसका जो भी डिविडेंड मिलेगा ये आपको डिविडेंड कॉलम में लिखना है क्रेडिट साइड में. एंड जो भी आपका कॉस्ट का परचेस का डिविडेंड है ये आपको क्रेडिट साइड में लिखना है कॉस्ट कॉलम में. व्हाई दिस? बिकॉज वी हैव लर्न्ड दिस इज कॉल्ड एज प्री एक्विजिशन डिविडेंड. तो इसको हम प्री एक्विजिशन डिविडेंड के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसे क्रेडिट साइड में लिखना है. तो अभी हम क्रेडिट साइड में जा रहे हैं. सो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे. अक्टूबर 22 को डिविडेंड मिल रहा है तो अक्टूबर 22 आई एम राइटिंग ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट. सो वी आर गोइंग टू रिसीव द डिविडेंड. नंबर ऑफ शेयर्स में डैश डिविडेंड कॉलम में कितना डिविडेंड था? 42,000. और कॉस्ट कॉलम में आपको डिविडेंड मिला 8,400. वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी परचेस का डिविडेंड होगा वो कॉस्ट कॉलम में लिखेंगे और जो भी आपके ओपनिंग बैलेंस का डिविडेंड होगा वो हम डिविडेंड कॉलम में क्रेडिट साइड लिखेंगे. तो दैट एंड्स द डिविडेंड ऑल्सो. तो लेट अस रिमेंबर दिस स्टेप. क्विकली रिवाइज करते हैं सारे स्टेप्स वन बाय वन. नंबर वन ओपनिंग बैलेंस, नंबर सेकेंड परचेजेस, नंबर थर्ड बोनस का एंट्री, नंबर फोर्थ राइट शेयर्स, नंबर फिफ्थ डिविडेंड, नंबर सिक्स आएगा सेल, फिर उसके बाद हम क्लोज करेंगे. तो देख लेते हैं क्वेश्चन में सेल है या नहीं. तो दिया है ऑन 31 दिसंबर कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड. ऑन 1 फरवरी 2020 ही सोल्ड 25,000 शेयर्स एट द रेट 15 per share. तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी शेयर्स सोल्ड होंगे तो हमें एक तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. तो प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन के लिए वर्किंग नोट बनाना बहुत जरूरी है. तो वर्किंग नोट क्विकली बना लेंगे. जो हमने कैलकुलेशन सीखा था वही सारी चीजें अभी हमें यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूं. तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले यहाँ पे आएगा ओपनिंग बैलेंस. तो ओपनिंग बैलेंस कितना था हमारा? नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 30,000 हमारा नंबर ऑफ शेयर्स था. और कॉस्ट का वैल्यू कितना है? कॉस्ट का वैल्यू था 4,20,000. ठीक है, इसके बाद फिर हमने परचेस किया था. कितने शेयर्स हमने परचेस किए? 6,000 शेयर्स हमने परचेस किए जिसका कॉस्ट कितना था? 96,000 था. ठीक है, फिर इसके बाद हमने ऐड बोनस करना है जो बोनस शेयर्स थे. तो कितने शेयर्स का बोनस मिला? 6,000 शेयर्स का बोनस यहाँ पे कॉस्ट में डैश है.
बोनस के बाद ऐड करना है हमें राइट शेयर्स, तो राइट शेयर्स हमारे कितने थे, राइट शेयर्स हमारे थे 8,400 और जिसका कॉस्ट हमें मिला था 1,26,000। ठीक है, इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट लेस करना है डिविडेंड, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं और जिसके वजह से उनका सेल का एंट्री रॉन्ग होता है, बिकॉज सेल के एंट्री में हमें प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन करना है। सो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन करने के लिए ये कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है। तो हमारा कॉस्ट में कितना डिविडेंड था वो हमें लिखना है, कॉस्ट में हमारा डिविडेंड था क्रेडिट साइड 8,400। तो अभी इसका कैलकुलेशन होने के बाद सभी को हमें कैलकुलेट करना है प्रॉपरली, फाइन। सो अभी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके बैलेंस ढूंढना है। सो जो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स है उसका आंसर मिलेगा 50,400 एंड इन सारी चीजों को आप अगर एडलेस करोगे तो इसका आंसर हमें मिल रहा है 6,33,600। That is the value of balance related to your cost figure. ठीक है, अब इसके बाद काफी important, इसके बाद हमें लिखना है less sale. तो कितना सेल हो रहा था एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। तो लास्ट एडजस्टमेंट था ही सेलिंग हाउ मच, 25,000 शेयर्स को वो बेच रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 25,000 शेयर्स एंड यू माइट बी नोइंग द रूल, हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 6,33,600 डिवाइडेड बाय 50,400। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 3,14,286। तो क्रॉस मल्टीप्लाइड फिगर काफी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगेन आपको बैलेंस ढूंढना है, माइनस करना है, अभी ध्यान से माइनस कर लेना। दिस विल बी द बैलेंस, 50,400 में से 25,000 अगर आप माइनस करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज 25,400 एंड इसमें से अगर ये माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 3,19,314, फाइन। इसके बाद एक मार्केट वैल्यू का कंसेप्ट है वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, अब पहले प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन कर लेते हैं कि प्रॉफिट लॉस हमको कितना कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट लॉस का वर्किंग नोट बना रहा हूँ, बिकॉज सेलिंग प्राइस और कॉस्ट को जब हम कंपेयर करेंगे तब हमें प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। तो आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है, हाउ मेनी शेयर्स वी हैव सोल्ड, 25,000 शेयर्स हमने बेचे, 25,000 शेयर्स कौन से रेट में बेचे एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में आपको दिया जाता है सेलिंग प्राइस का रेट। सो वी हैव सोल्ड 25,000 शेयर्स इन द रेट ऑफ 15, एट द रेट 15 वी आर सेलिंग दैट, तो 25,000 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट द आंसर एज 3,75,000 एज अवर सेलिंग प्राइस। कॉस्ट जो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिला था वो हमें क्यों लिखना है, कॉस्ट का आंसर कितना आया था 3,14,286। तो अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है 3,75,000 में से, अगर आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 60,714, दिस इज योर प्रॉफिट। सो प्रॉफिट आया तो हम कहाँ पे पोस्ट कर देते हैं, प्रॉफिट आया तो डेबिट साइड, लॉस आया तो क्रेडिट साइड, पहले पोस्टिंग कर लेते हैं देन बाकी की चीजों में आगे जाएंगे। ठीक है, चलो क्रेडिट साइड में डेट फेब्रुवरी है, यहाँ पे मैंने नवंबर लिखा है, दिस इज ऑल्सो फेब एंड दिस इज ऑल्सो फेब। ठीक है, यहाँ पे आएगा बाय बैंक अकाउंट, मच वी आर सेलिंग 25,000, डिविडेंड में डैश, यहाँ पे आपको लिखना है सेलिंग प्राइस, हमने पहले भी डिस्कस किया है 3,75,000। तो प्रॉफिट था तो प्रॉफिट आएगा डेबिट साइड में 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स में डैश, डिविडेंड में डैश, और कितना था हमारा प्रॉफिट 60,714। ओके, तो दिस मच वी हैव सॉल्व्ड, आई होप कि इतना तो आपका कैलकुलेशन क्लियर रहे, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चंस में भी हमने यही सारी चीजें एक एक करके सीखी थी। अभी इस क्वेश्चन में एक लास्ट पार्ट जो आपके इस पूरे चैप्टर का लास्ट वैरायटी है एंड दैट इज इन्वेस्टमेंट में मार्केट वैल्यू दिया है। सो देखते हैं लास्ट लाइन में, देखो द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वॉज 14 रुपीज, अभी हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे इसको। ठीक है, तो ध्यान से कैसे प्रेजेंट करना है एक बार चेक कर लेना, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू कैसे लिखना है, अभी 14 रुपीज का मार्केट वैल्यू दिया था, तो ये हमको जो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कैलकुलेशन में आए हैं, जो नंबर ऑफ शेयर्स हमारा कैलकुलेशन है, ये जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो 25,400 हमारे नंबर ऑफ शेयर्स है मल्टीप्लाइड बाय 14 रुपीज का रेट है,
सो 25,000 इंटू 14 करेंगे तो आपको जो भी वैल्यू मिलेगा आपको यहाँ पे डैश देना है। यहाँ पे आपको वैल्यू लिखनी है 355,600 की वैल्यू आपको मिल रही है। सो वी आर गेटिंग द वैल्यू 355,600 एज द मार्केट वैल्यू। नाउ रिमेंबर द रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। यही पार्ट हमने डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में भी सीखा था, सेम पार्ट है। देखो जो भी आपकी वैल्यू आएगी इन दोनों वैल्यू में से हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू कंपेयर फ्रॉम दिस वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू एंड वी आर गोइंग टू कंसिडर विच एवर इज लोअर। हम लोग कौन सी वैल्यू लेंगे, विच एवर इज स्मॉल। तो 319,314 और 355,600 में से स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, 319,314। अगर आपकी मार्केट वैल्यू स्मॉल होगी तो आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है और उसे लेजर में क्रेडिट साइड में पोस्ट करना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस। आई रिपीट अगेन, अगर आपके मार्केट वैल्यू की जो वैल्यू है वो अगर छोटी रही तो जो भी इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस होगा वो डिफरेंस को हमें प्रॉफिट एंड लॉस करके क्रेडिट साइड में लेजर के लिखना है। लेकिन अभी इस सिचुएशन में मार्केट वैल्यू बड़ी है और 319,314 जो कॉस्ट की वैल्यू आई है वो छोटी है, ऐसे केस में हम डिफरेंस कैलकुलेट नहीं करेंगे। सो अभी मैं यहाँ पे क्रेडिट साइड में जाऊंगा और अभी पहले इसको हम क्लोज करेंगे और फिर बैलेंसिंग फिगर को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा बैलेंसिंग फिगर है इसका वैल्यू आता है 50,400। सिमिलर यहाँ पे भी लिखेंगे 50,400। ईयर एंड में बैलेंस करना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो यहाँ पे 50,400 में से अगर 25,000 माइनस करें तो वैल्यू मिलेगा 25,400। डिविडेंड का बाद में सीखेंगे, पहले कॉस्ट को क्लोज कर लेते हैं। कॉस्ट का टोटल आता है 7,02,714। सिमिलर यहाँ पे भी 7,02,714। ये 7,02,714 में से 3,75 और 8,400 आपको माइनस करना है तो आपको यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, दैट इज 3,19,314। एक बार चेक कर लेते हैं, देखो क्रॉस वेरिफिकेशन कैसा है, कैसे आपको क्रॉस वेरीफाई करना है। यही दो वैल्यूज आपके वर्किंग नोट में आए होंगे। देखो 25,400 मिला है और 3,19,314 मिला है। सो दोनों वैल्यूज हमको यहाँ पे मिल चुके हैं, सेम वैल्यूज हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लिए। सो अभी हम डिविडेंड को क्लोज करेंगे तो डिविडेंड कॉलम में टोटल है 42,000। यहाँ पे भी हमको 42,000, ठीक है। और बैलेंसिंग फिगर भी कितना मिलेगा, 42,000। क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो टू क्या है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। सो ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है, ध्यान से 42,000 का बैलेंस आपको मिल चुका है। सो दैट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस। तो दिस इज द कैलकुलेशन विच वी हैव सीन। सो मैंने वर्किंग नोट्स के साथ आपको कैलकुलेशन सिखाया इस क्वेश्चन में, जैसे हमने प्रीवियस सेशन में सीखा था। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में इतने ही लेवल्स हैं, तो हमने डिबेंचर्स और बॉन्ड्स के सारे लेवल्स कर लिए और हमने शेयर्स के भी सारे लेवल कर लिए। तो शेयर्स में ज्यादा कोई कैलकुलेशंस नहीं है। आई होप कि आपका ये चैप्टर क्लियर होगा। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अगर अच्छा लगा है तो अच्छे अच्छे कमेंट करें, अगर कुछ कमी लगी है तो कमी बताइए, सो दैट वी कैन ऑल्सो ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट और आपको अच्छे और सेशंस मिल पाए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना, सो दैट उनको भी ये जो वीडियो लेक्चर्स है उनका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन। टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर, be smarter.